छिंदवाड़ा में भाजपा के पूर्व विधायक के खिलाफ लेन देन को लेकर साजिश रचने का मामला सामने आया है। पूर्व विधायक ने बताया कि उनको बदनाम करने के लिए लाखों के लेन देन की बातें की गई, जो कि पूरी तरह गलत है। परासिया में पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया था। कुछ रुपयों के लेन देन के चक्कर में पूर्व विधायक को बदनाम किया जा रहा था। पुलिस ने मामले को जब संज्ञान में लिया तो ऐसा कोई विवाद सामने नहीं आया। मामले में लाखों रुपए की उधारी की बात सामने लाई गई थी, जो जांच में गलत निकली। और पूर्व विधायक का कहना है कि सारे मामले गलत हैं। इस दौरान बावरिया ने निष्पक्ष जांच के लिए प्रशासन का आभार व्यक्त किया। धनंजय बान ने अपने एक साथी डोलकर के साथ एक आवेदन पत्र कार्तिक बावरिया वगैरह पैसे के लेन देन से शिकायत पर शुरू किया था। शिकायत जांच के दौरान ही आवेदन पक्षों ने एक आवेदन प्रस्तुत किया कि उस आवेदन पत्र में कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, इससे आवेदक के चाहने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई स्थगित कर दी गई। पंजाब फ्लैश से कर्मचारियों के माध्यम से किसी घटना को अंजाम देने की कुछ लोगों ने साजिश रची थी, लेकिन वे इस साजिश में विफल हुए। जब किस प्रकार की घटना ही नहीं घटी थी, ये भारतीय जनता पार्टी को और मुझे बदनाम करने की साजिश कुछ लोगों द्वारा प्रयास किए विफल रहे हैं। मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, निष्पक्षता से इसकी जांच करके उन्हें सही निर्णय लिया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।